हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंदन सर। चंदन सर, ये बताइए कि जो ये संदेश है वो संदेश क्या कहता है? आज के दिन बिहार जो है मानव श्रृंखला बनाकर क्या संदेश देना चाहता है, पूरी दुनिया को क्या दिखलाना चाहता है? आई एम चंदन राज, आई एम डायरेक्टर ऑफ सिराज क्लासेस। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो पूरे बिहार में मानव श्रृंखला जो है पीरपैंती प्रखंड में भागलपुर जिला में जो है देख रहे हैं आप, तो यहाँ ये पहल है सरकार की, जो बिहार सरकार की जो है, बिहार की सरकार नीतीश कुमार जो है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ सरकार के जो है करने से नहीं होगा, उसमें सभी जनता को, सभी बच्चे को आगे आना होगा। यदि सिर्फ सरकार करेंगे काम तो होगा, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सभी जो है जितने भी बिहारवासी हैं सभी को आगे आना होगा। जो आज नीतीश कुमार जी जो ये पहल उठाए हैं, कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। सबसे पहले यहाँ देखा जाता है कि जल जीवन हरियाली, देखिए जल है तो जीवन है, जीवन है तो ही मेरा हरियाली है। देखिए, जीवन में हरियाली होना बहुत जरूरी है और जीवन में जल भी होना जरूरी है। यदि जल ना हो तो हमारा जीवन जो है बेकार है, यदि हमारा जीवन बेकार है तो पेड़ पौधा का भी जीवन बेकार है, क्योंकि आज जो जितने पेड़ पौधा दिख रहा है ये सब जल कुछ तो चाहिए ही। देखिए, इसीलिए जो है, और इस जल तो चाहिए तो इसके लिए पेड़ लगाना होगा। तो क्या सिर्फ एक नीतीश सरकार के आप पेड़ लगाएंगे तो हो जाएगा? नहीं। तो ये कारण क्या है कि आज जो कतारबद्ध जो अब लाइन देखे, जो मानव श्रृंखला देखे, तो एक संदेश जाता है कि जितने बच्चे हैं सभी जो है पेड़ लगाए, जिसके कारण जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे भी कट रहे हैं। इसके बाद है नशा मुक्ति। देखिए, इसके पहले जो एक हुआ था मानव श्रृंखला, वो नशा मुक्ति था, तो आज नशा मुक्ति जो है पूरे बिहार में देखिए कि नशा मुक्त बिहार बन गया। तो इसका कारण क्या है कि इसमें जनता आ गया है, पूरे बच्चे आ गया है। यदि जनता और बच्चे आगे नहीं आते तो आज ये पूरा बिहार हमारा नशा मुक्त बिहार नहीं बनता। इसके बाद अब देख रहे हैं कि बाल विवाह। देखिए, बाल विवाह जो है, ये जो सरकार जो कदम उठाए बहुत अच्छा कदम उठाए, क्योंकि आज देखा जाता है कि 18 साल एज नहीं हुआ है, उसका शादी हो गया, तो क्योंकि उसका फ्यूचर अभी जो है फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं विवाह करा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह किसी भी हालत में कराए, गरीबी स्थिति में कराए, या तो लड़का जो है कुछ कंडीशंस कर ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इसे सरकार जो रोक लगाए हैं, पूरे बिहार के लोग या पूरी जो वर्ल्ड के लोग पूरे खुश हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दहेज उन्मूलन। देखिए, दहेज लेना भी सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि आप देखते हैं कि लड़का लोग दहेज लेता है लड़की वाले से, क्यों? लड़की लोग के पेरेंट्स क्या खर्च नहीं करते पढ़ाई में? खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ दिखता है कि सिर्फ बेटा को पढ़ाने में खर्च होता है। ऐसे जो है ये नज़रिया को समाज में बदलना चाहिए। जब बदल जाएगा, और देखिए बदल ही गया है, क्योंकि आज देखते हैं कि यदि जो बिहार में दहेज लेता है तुरंत जो है इन्फॉर्म चला जाता है, जो पुलिस के पास हो तुरंत जो कार्रवाई होती है, तो ये भी बहुत अच्छा पहल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और कोई